हम लोग जा रहे हैं लेवेंडर टाउन में एक घोस्ट पोकेमोन की तलाश में। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का पोकेमोन फायर एश के अगले एपिसोड में। तो पिछले वीडियो में तुम लोगों को याद होगा यार, हमें ना चाहते हुए भी अपनी बटरफ्ली को रिलीज करना पड़ा, जो कि एक सैड मोमेंट था यार सच में। और पिछले एपिसोड यार तुम जानते हो, सबरीन ने भी दिमाग ख़राब कर दिया यार, उसने ब्रैश नहीं दिया भाई, जबकि मैं उसको हरा चुका हूँ। विच इज़ बैड यार, बैड गलत बात है। तो आज हम जा रहे हैं लेवेंडर टाउन में, जैसा कि हमें बताया गया था कि लेवेंडर टाउन में जाना है और भाई घोस्ट पोकेमोन पकड़ना है यार हमें, है ना। घोस्ट पोकेमोन पकड़ना ज़रूरी है। ओके ग्राइमर आ गया भैया, पकड़ना आ गया। चलो गया अभी भाई, आ गया चला गया, ग्राइमर बच ही नहीं पाया। और आज मेरे को स्क्वाड्रल को ट्रेन करना। ओ भाई मक निकालते हैं भाई साहब, भाई मक का स्लज अटैक देख रहे हो तुम, मक का स्लज में बहुत दम होता है भाई। पिकाचू को मैंने काफ़ी ट्रेन कर लिया था। ओ यार ये अटैक ना कर भाई मुन्ना, ऐसे अटैक ना करो। ओ भाई तुमने मड बॉम्ब छोड़ा, देख लो बात है मुन्ना यार। ठीक है मैं निकालूंगा मेरे बल्बी को, गो माई बल्बी, टेकी डाउन डाउन। अरे ये ना करो भाई तुम, बस ये ना ही करो। अरे वाह यार बड़ा अच्छा भाई, क्या 500 भाई, ओह शिट मैन, मैं इतना अच्छा सोचता हूँ भाई, इतना ख़राब कर देते ना भाई लोग दिमाग में यार। ओके सो लेट्स टेक आउट पिजियोटो। ओ भाई देखा देख, अब मड बॉम्ब नहीं कर पा रहा था ये है, नहीं मैं दिख गया भाई इसको, तभी इसको ये ऐसे अटैक करना है। वाह भाई ओके मोन ने भाई सोचते हैं कि भाई कैसे इंसान है, छोड़ो दो टाइम वेस्ट बर्बाद मत करो। ओके 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 नाइस नाइस नाइस। ओके तो मैं हील करके आता हूँ वकी टक्की। सो मैं हील करके आ गया, तो ये लड़कियाँ भी खड़ी हैं, इनसे भी लड़ते हैं। आ जाओ आ जाओ जाओ, लेवेंडर टाउन जा ही रहे तो भाई सबसे लड़ते हुए चलें, पोकेमोन ही ट्रेन हो जाएंगे ना हमारे, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। ओके भाई दोनों दोस्त आए हैं, देख रहे हो तुम, स्क्वाटल बल्बस और भाई, इन दोनों की दोस्ती आई कब, हमेशा अटूट है भाई, अच्छी दोस्ती थी भाई इन दोनों की। और बस दोनों में मारेगा स्क्वाटल, तू इसमें मार, मैंने गलत पढ़वा दिया पर स्क्वाटल का हमला। ओके ठीक, ओ भाई भाई देख रहा हूँ इनके क्रिटिकल हिट भाई इतने खतरनाक होते हैं, हमारे क्रिटिकल हिट भाई इनके लिए कुछ नहीं है, हमारे क्रिटिकल हिट सोचते कुछ होता ही नहीं है भाई, पता नहीं इनके क्रिटिकल हिट बड़े खतरनाक होते हैं यार। चलो ठीक है, बात रख ली बंदे ने, अच्छी बात है, बट फिर भी अभी मैं अपनी बात बैठा लूँ। देखा टीम वर्क, देखा तुमने टीम वर्क। ओके भाई स्लज, ओ भाई स्लज बॉम्ब, बल्बस और स्लज बॉम्ब सीख रहा है भाई। भाई वाइन वेब हटाना पड़ेगा, मुझे वाइन वेब बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। रेजर लिप देख रहा हो 55, रेजर लिप तो कतई नहीं, स्लीप आउटर भी भाई ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। वाइन वेब आई एम सॉरी यार, स्लज बॉम्ब। ओके अब बल्बस और मस्त बन गया भाई, पॉइजन टाइप भी बन गया, मज़ा आ गया, मौज आ गया बल्बस और यार, मौज चला दिया यार तुमने। ओके लड़की भी बैटल करेगी हैं, ये क्या लगा रखे तुम, पटरी से बना के रखो ये, किस तरफ एक किस तरफ एक किस तरफ, क्या खो खो खेल रहे हो भाई तुम लोग हैं, आई थिंक खो खो खेल रहे हैं भाई लोग। चलो भाई खेलो प्रोफेसर के साथ, खेलो जाओ भाई। म्याऊ, ओ भाई देख रहे हो कौन सा म्याऊट है, आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है शायद से अलोलन म्याऊट है शायद से। हाँ अलोलन लग रहा है, हाँ लग रहा है शायद से है भाई अलोलन म्याऊट यार इसके पास, अच्छा है फिर तो। अभी से गेम में भाई अलोन में आउट आ रहे हैं, देख रहे हो तुम अभी से। अरे यार पिकाचू ही निकालना था इसको है, चलो ठीक है चार्मेंडर को निकालते हैं, पिकाचू को ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो है पिकाचू हमारा। वो सबरीना का भी 30 के आसपास हुई होगा, पोकेमोन ज्यादा हो ही नहीं सकता उसका भी। इसको ओ भाई वाटर पल्स सीख रहा है, वाटर पल्स की पावर 60 वाटर गन, रहने दो भाई नहीं सिखाना वाटर पल्स, हमारा बबल बीम भी अच्छा है भाई, रहने दो। ओके स्टॉप स्टॉप स्क्वैडल स्क्वैडल स्क्वैडल। ओके ये दद्दू खड़े हैं भाई, दद्दा जी से भी लड़ाई कर लेते हैं, बट ना भाई हम ट्रेन करेंगे मैंडी को अपने, हमारा प्यारा मैंडी। वैसे पिजियोटो का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पिजियोटो की लड़ाई नहीं है भाई, मेन लड़ाई तो अभी मेरे बंदों की है बाकी है, ऐसे लड़ लिया था मैंने, अभी पोकेबॉल तो नहीं है बीच में भाई। ओ भाई देख रहे हो पोकेबॉल मिल गई आखिरकार है, सेफ गार्ड TM20। ओके यहाँ दद्दा जी लड़ने वाले हैं हमसे, आ जाइए आप भी, आ जाओ भैया आ जाओ, पता ही तुम भी मानने नहीं वाले हैं। ड्रैगन रेज
ड्रैगन रेज अपने को अपर चला। ड्रैगन रेज ने स्टार्टिंग में इसलिए दिया है भाई बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत यूजफुल होता है। 40 एचपी का डैमेज होता है, मतलब 40 एचपी तुम्हारे लेके जाएगा ही, कुछ भी हो जाए सिर्फ 40 एचपी। 40 को यार 50 कर देते ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती यार, 40-50 कर देना चाहिए था यार, बस 50 सही रहता भाई, 50 बहुत सही रहता। कि दद्दा जी हार गए, कबीर जी से बाद में लड़ लेंगे हम। ओके और इसी के साथ हम आ गए हैं लेवेंडर टाउन में। ओके नाइस। ओ दादी माँ, वी डोंट गेट मैनी विजिटर्स हियर। अच्छा दादा विजिटर्स नहीं आते इधर, ये देखते हैं व्यू टू सी अगेन। ओके नाइस, घोस्ट अपीयर्ड इन पोकेमोन टार। ओके यहाँ क्या है, दिस टाउन इज नोन एज द ग्रेव साइट ऑफ पोकेमोन। ओ भाई, मेमोरियल सर्विसेज आर हेल्ड इन पोकेमोन टावर। ओके ये क्या सी बिल्डिंग है, लेवेंडर वॉलंटियर पोकेमोन हाउस। ओके ठीक है, इट्स सो वार्म, पोकेमोन आर सो नाइस टू हग। ओ रियली, दिस इज अ सेंचुरी फॉर अबंडेंट पोकेमोन। अच्छा ठीक है, मतलब एक सेंचुरी टाइप की है अबंडेंट पोकेमोन्स के लिए। वो ये कौन है, हेलो हेलो आई एम द ऑफिशियल नेम राइटर, वॉन्ट मी टू रीड द निक नेम्स ऑफ योर पोकेमोन। नहीं भाई मैं निक नेम सिखाता ही नहीं हूँ, मेरे को क्यों कराना है फिर रीड है नेम। अरे घर में क्या है, ओके क्यों 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 नहीं है ना, आई थिंक इट इज़ अ क्रीपी प्लेस, आई वॉन्ट गो इन देयर। क्रीपी तो है यार, क्यों नहीं था ठीक है, क्रीपी तो है कुछ भी कह सकते हो। ओके मार्ट दिया, थैंक यू यार मार्ट, अच्छी चीज़ है। डू बिलीव इन घोस्ट, देखो वैसे बताऊँ तो नहीं यार, बट स्पिरिट ज़रूर होती हैं यार स्पिरिट, तो मैं भाई नो करूँगा। हा हा हा, आई गेस नॉट, दैट वाइट हैंड ऑन योर शोल्डर आई एम जस्ट इमेजिंग इट। ओके भाई लड़की बड़ी खतरनाक थी, मेरे को डरा रही थी भाई, मेरे से पूछ रही तो मेरे को डरा रही थी। वाह यार कभी खतरनाक बच्ची है भाई आजकल के ज़माने की। आई केम टू प्रे फॉर माई डियरली डिपार्टेड क्ले फेरी। ओ आई केम टू रिस्पेक्ट ओके माई लविंग हार्ट। ओके माई ग्राउलर वाई डिड यू डाई, ओ आई कॉन्ट स्टॉप वरिंग अबाउट एवरीथिंग दैट वॉट हैपन। वरी सीड बस बस नहीं सिखाना मुझे, वरी सीड भाई अटैक नहीं सिखाना। आई एम अ चैनलर, देयर आर स्पिरिट अप टू मिस्चीफ आई सेंस दैट हाई इन द टावर। ओके पोकेमोन टावर वॉज इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ पोकेमोन दैट डाइड। ओके जो पोकेमोन मर गए हैं उनकी यादों में। ओके रास्ता यहाँ से नहीं है, ऐसा इधर से है, अभी बड़ा पजला टाइप का है ये, क्या कहोगे, बी केयरफुल द अपस्टेयर इज हॉन्टेड। ओके हॉन्टेड क्यों है भाई, ओ ट्रेनर्स मैं स्किप कर दूंगा, इजी पीजी ट्रेनर था भाई ये, कुछ नहीं गैसली लेके आई थी बस, एक ही पोकेमोन था उसके पास। ओ भाई अब ये भी आने लगेंगे, इससे नहीं लड़ना भाई मुझे। ओके 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 नाइस नाइस नाइस। ओके गैसली मैं तुम्हें मेन ट्रेनर्स दिखाऊंगा। ओके ओके भाई लेडी कौन है, पोकेमोन। ओ भाई साहब इसको भी लड़ना ही है, लड़ना ही है भाई, मतलब लड़ने बिना नहीं मानेंगे भाई ये लोग, पता नहीं कैसे हैं भाई, लड़ना जरूरी है इनके लिए बस। ओ ये कुछ ब्लू ब्लू एरिया करके क्या है भाई ये, ओ ये क्या है, एंटर द प्यूरिफाइड एंड प्रोटेक्टेड जोन। ओके रिस पोकेमोन और फुल्ली हील, ओ वाह भाई मैं कब से सोच रहा था मेरे पोकेमोन हील हो जाए भाई, हो गए अच्छी बात है अच्छी बात है। क्लीन स्टैग, ओके कम चाइल्ड आई हैव प्यूरिफाइड दिस स्पेस यू कैन रेस्ट हियर। अच्छा यहाँ रेस्ट कर सकते हैं, वाह यार थैंक यू यार, थैंक यू आंटी यार अपने प्यूरीफाई कर दिया जगह को। अच्छा भाई बहुत थक गए थे मेरे पोकेमोन। नगेट ओके नगेट, ओके तो मैं रख लेता हूँ आगे अपने बल्बसौर को यार, तो उसकी भी ट्रेनिंग ज़रूरी है तो मेरे ख्याल से ये लास्ट है। ओ शिट मंजुलिका मंजुलिका पता नहीं कौन कौन सी मंजुलिका मंजुलिका आ रही हैं यार पता नहीं,
बड़ा खतरनाक है यार ये, पता नहीं। रेजर लीफ उसे कुछ कर नहीं पाता है, रेजर लीफ के अटैक कोई खास नहीं है। मैं सोचा सोलर बीम कब मिलेगा मुझे, आई डोंट नो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट सोलर बीम। यस भाई बहुत मस्त अटैक है सोलर बीम। यस के सो अल्टी का ऊट में पिजियोटो भाई, अब ये अपने पंच अपने पास रख भाई तू। चल भाई ड्रैगन अटैक दिखा दे इसको, ड्रैगन की मार देगा ट्विस्टर भाई। ओके बाय द वे मैंने ट्विस्टर पहली बार दिखाया तुम लोगों को, कैसा लगता है दिखने में? के गेस्ट अटैक दिखा भाई गेस्ट, ओ भाई कर्स कर दिया इसने अपने आप, और मेरे में भी चुभेगा देखना। ओ भाई अफ्लेक्टेड बाय द कर्स भाई, नहीं कर दे तुम्हारे दोस्त है प्लीज़ यार। ओ शिट यार पीछे हो तो गलत बात मर गया यार। ड्रैगोरेज भाई तू भाई प्लीज चार्मेंडर भाई प्लीज मान यार। अरे वेरी गुड चलो अपना चार्मेंडर बंदा सही है, बात मान लेता है आराम आराम से। तो ड्रैगन रेज मार दे भाई बस पता ही। ओ भाई मतलब ये आ गया, वेरी गुड फायर फैंग वैंग सीख रहा भाई, सिर्फ वैसे नहीं सिखाना मुझे यार सॉरी। एक सेकेंड टेक सेकेंड अटैक देख लेता हूँ मैं भाई, नहीं सिखाना रहने दोस्त, थैंक यू भाई। ओ भाई रेयर कैंडी देखा तुमने? ओ भाई यहाँ मुझे लग रहा है कुछ खतरनाक हो ही सकता है, तो हम रिस्क क्यों लें, इसलिए अपने पोकेमॉन्स को हील कर लेते हैं यार। चलो देख क्या होता है इस जगह पे। पोकेमॉन टावर 7 यू आर क्वाइट ब्रेव फॉर अ चाइल्ड बट दिस विल हैव यू रनिंग इन नो टाइम। करीना ओ गेंगार भाई, मैं सोचा था कुछ और हुआ इसके पास, गेंगार निकला। ओके ठीक है गेंगार भी अच्छा पकवान है भाई, गेंगार खास करके अभी जो नया चल रहा है पकवान का सीजन भाई गेंगार है इसने पकड़ा है भाई, इसलिए मस्त है गेंगार तो भाई। अरे यार ये अपने शेडो को मुक्के मारते रहती है, गलत बात है शेडो मुक्के नहीं मारते भैया, अच्छा नहीं होता ये अटैक गस्ट। ओ भाई यार गेंगार की स्माइल देख के पता है मुझे सबसे पहले यही लगता है गेंगार यही करने वाला है, पता है उसकी स्माइल देख के बड़ा जाता है ये अटैक गेंगार का फेवरेट है भाई, ज़रूर से करता है भाई गेंगार हमेशा ये अटैक ज़रूर से करता है पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत गंदा लगता है ये अटैक। डबल हाँ चलो अच्छी बात है, ठंडा बोल बहुत अच्छे 1000 मिल गया वेरी गुड। आई एम नो लॉन्गर पोजेस्ड थैंक यू। ओके ओ यू केम हियर सो यू कुड चैलेंज सबरीना, दिस माइट हेल्प यू देन। शैडो पंच 2020 कंटेन शैडो पंच इट नेवर मिसेस। ओके आई विश यू लक इन योर ट्रैवल्स। ओके तो आखिरकार भाई अब हम पकड़ लेते हैं अपना घोस्ट पोकेमॉन। ओके बिकॉज हमें पकड़ना घोस्ट पोकेमॉन ही था भाई, घोस्ट पोकेमॉन पकड़ना सबसे जरूरी है भाई अभी। घोस्ट पोकेमॉन कहाँ हो? हॉन्टर आजा मेरे पिकचू, दिखा दे भैया हॉन्टर दादा को क्या कर सकता है, कहीं ना तो अपनी मुट्ठी में कर सकता है पिकचू पर लेगा ना, एक बार में तो ना ही आया। थंडर पुल से मरे ना तो सही है, बस मरना नहीं मरना। ओ भाई अच्छा चलो अच्छा है, नाउ लेट्स ट्राई अगेन। गो पोकेबॉल ग्रेट बॉल, अरे बहुत बढ़िया कच्चा हॉन्टर वॉज अ कटा, हॉन्टर डाटा वॉज एडिट टू द पोकेबॉक्स। घोस्ट और पॉइजन ओके, नहीं यार हॉन्टर दादा को नाम ही देते हम। ओके तो या गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, वैसे एपिसोड बड़ा अच्छा था, थोड़ा डरावना तो नहीं था भाई, मुझे डरावना बिल्कुल नहीं लगा बट ठीक है नाम दे देते हैं डरावना भाई, मस्त तो है शुरू एपिसोड भाई, लोग डर रहे हैं यहाँ के पता नहीं क्या, लोगों को डर लगा इस जगह पे, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा भाई, बड़ा अजीब सा था। मिलता हूँ तुम लोगों से अब पोकेमॉन फायरिश की नेक्स्ट एपिसोड में यार, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है भाई है ना, अपना ध्यान रखना है और मजे ही मजे करने हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक करना है, और अगर
चैनल पे वीडियो देख के मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके क्या करना है भाई, अपना ध्यान रखना है और मजे ही मजे करने हैं, मौजा ही मौजा। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से पोकेमोन फायर एश के अगले एपिसोड में, और अगर कुछ मुझे नया मिलेगा तो मैं तुम्हें अगले एपिसोड में दिखा दूंगा मुझे कुछ मिलता है ऐसे तो। हाँ और एक बात और, तो कल हम भाई चैलेंज करेंगे सबरीना को और उसे हराएंगे भाई अपने हॉन्टर की मदद से और पिकाचू की मदद से, तो एपिसोड मिस मत करना भाई कल का भी। ओके सो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।